हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और व्यस्त भी हूँ। तो आज मैंने सफाई अभियान चला रखा अपने घर में, क्योंकि कम से कम 2-3 दिन बाद धूप निकली है आज। तो मैंने सारे कपड़े छत में डाल दिए धोने के लिए, और आज मैंने बहुत सारे कपड़े मशीन में वॉश करे। चीकू के भी बहुत सारे कपड़े थे, ये देखो चीकू भी आज शैतानी कर रहा है। तो मुझे हो गया टाइम बहुत ज़्यादा, 12 बजने वाले हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, काम वगैरह, बस नाश्ता किया हम लोगों ने और बस किचन वॉश करी मैंने। बस ना पूरे ड्रेसिंग की बैंड बजा दी है, पूरा खराब कर दिया इसने मेरा ड्रेसिंग। ये देखो मैंने खाली ही रखा रहता है, पता नहीं क्या रख दिया इसने इस पर कचरा। ये बैटरी है और आज ये सुबह से बैटरी पर ही लगा हुआ है, इसने ये बैटरी तोड़ दी। चीकू के दादा बेचारों ने ला रखी थी, बस इसने बैंड बजा दी उस बैटरी की। तो घर देखिए पूरा उथल पुथल मचा दिया मैंने आज। तो चलो सबसे पहले मारती हूँ मैं झाड़ू, और ये बाल्टी भी चीकू अंदर ले आया पता नहीं कब। तो बच्चों वाले घर में ना सफाई करो या ना करो कुछ फ़ायदा तो है नहीं, बट करनी पड़ती है। बच्चों के साथ तो और ही ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है हमें। तो ये चीकू ना 2 मिनट में कर देता है सारा बर्बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। और अभी मैं एक तरफ से झाड़ू लगा रही हूँ और ये बस लगा हुआ है मेरे पीछे पीछे कबाड़ा करने में। तो जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा ना, ये देखो। तो जब तक मैंने झाड़ू वगैरह मारा, चीकू को मैंने मशीन में बिठा रखा था चीकू, और ये सारा सामान इसने मशीन का, ये जो भी है सामान, ये पाइप वगैरह सब इसने फेंक दिया। और इसको बड़ा मज़ा आ रहा है मशीन में। आ जाओ इधर, इधर आओ चीकू। जब भी मेरा कोई काम होता है ज़्यादा, मैं इसको ना मशीन में ही बिठा देती हूँ और इसको देखती भी रहती हूँ और काम भी करती हूँ। तो इसको बड़ा मज़ा आता है मशीन में। मैंने मशीन को जगह पे रखा और ये फिर लग गया अपने काम में। हाँ लगाओ स्विच, लगाओ स्विच, लगाओ, चलो घूमी आ जाओ। ये देखिए दोस्तों कैसे बटन घुमा रहा है, इसको सब पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, सब पता है इसे। मैकेनिक बनेगा ये। लाओ मेरे पास दो, इनको ना संभाल देंगे। बच्चों को पानी से कितना प्यार होता है, इसको तो कुछ ज्यादा ही प्यार है। अंदर चलो, चलो अंदर आ जाओ, मम्मा के साथ आओ। चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। इसके फूड खत्म हो गए, तो मैंने इसके पापा को भेज रखा, मैंने कहा कुछ बनाना वगैरह लेके आओ इसके लिए। तो जा रखे थे बट आए नहीं अभी तक। तो ये आजकल कुछ खाता पीता तो है नहीं, मैंने सोचा कुछ फ्रूट ही खिला दें इसको आज। मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई भी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे मशीन में ही रख दो, मैं मशीन में ही खेल रहा हूँ अच्छे ढंग से, तुम लोग मत आओ मेरे साथ। चलो दोस्तों इसको नहलाती हूँ थोड़ा, तब मिलती हूँ आपको। ऐसे कौन करता है गुस्से में। और ये मैंने वो मंगाया था वाटर प्रूफ बेड शीट था, ये इसने पूरा फाड़ फाड़ के ऐसे नाश मार दिया। ये देख दोस्तों पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं देखती हूँ चीकू। अरे वाह, यहाँ वाइपर लग रहा है, लगाओ बेटा लगाओ। यस, किस किस के बच्चे वाइपर लगाते हैं ऐसे। इसको तो मैं जब तक पानी गर्म होता है इसका, तब तक ये वाइपर ही लगाता रहता है बाथरूम में या तो पानी में खेलता रहता है। हाय, हेलो। जब तक मैंने चीकू को नहलाया और मैं नहाना धोना किया, तो बाहर हो गया है बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम, और सभी बिल्कुल टीवी देख रहे हैं। और ये इनके घोड़े चल रहे हैं अभी। कार्टून देखने लग गया मेरा बेटा अब कुछ दिन से। मैं जाती हूँ छत में कपड़े लेने चीकू। इसको वैसे कोई मतलब नहीं है, बट इस बैग में इसके खिलौने हैं बहुत सारे, खेलेगा अगर तो दे देती हूँ। मैं छत में जाती हूँ जरा। और ये देखिए
ये इसने इतने बुरे हाल कर रखे दीवारों के, कितना गंदा लग रहा है। ये देखो छोटे बच्चों का घर। छत में चलते हैं, मौसम देखते हुए कपड़े ना भीग जाएं कहीं हमारे। तो चलो जब तक मैं छत में गई, बारिश की बूंदें हो रही थी, मैं फटाफट से कपड़े ले आई, कपड़े धुले मैंने। और सर जी वहाँ बैठे हैं अपने सारे खिलौने फैला के, और टीवी पे फोकस है। अपने मालिक का इंतजार करते हुए सिम्बा बड़ी जल्दी आया। आप क्या लाए? चीकू के लिए केले और आपके लिए नारियल पानी। ओहो हो, थैंक यू सो मच। तो 1 बज गए और खाना बनाने का टाइम हो गया। बाहर मौसम हो रखा है मस्त बिल्कुल। तो आज मैं इनके पीछे पड़ रखी थी, मैंने कहा कुछ मंगा दो खाने के लिए। बट इच्छा होती है इनकी, कभी तो बिना कहे ही मंगा लेते हैं, कभी कहने से भी नहीं खाते। और सर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टीवी खुली है। देखते हैं आज क्या बनता है। थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है और अब बनाती हूँ खाना। तो उससे पहले चीकू को थोड़ा सा मैं बनाना खिला देती हूँ, खा ले क्या पता, फिर उसका सोने का टाइम हो जाता है। आज इनके खाने में कद्दू बनाऊंगी मैं, भात के साथ। मुझे तो कद्दू बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कद्दू, तो उनके लिए कल की दाल बची हुई है, वो दाल खाएंगे आज कल की, और मैं कद्दू की सब्जी और भात। तो ये कद्दू ना जहाँ से ख़राब था वहाँ से मैंने छील लिया, बाकी मैंने छीला नहीं इसे, क्योंकि हरा कद्दू है ये। तो इसको पहले मैं धो दे, भी मैंने काट दिया है, और लहसुन भी छील दिया, और हरी मिर्च आज कम ही रह रखी हमारे, खत्म हो गई। जब तक हरी मिर्च वगैरह काटती हूँ तब तक कढ़ाई क्यों ना गरम करूँ। मैं ना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ कद्दू की सब्जी, बस उसमें लहसुन होनी चाहिए और वो भी ना कटी हुई, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कद्दू की सब्जी और भात, जब गांव में थे ना तब हम कद्दू की सब्जी भात और भात के साथ ना दूध मिला के खाते थे, बहुत ही टेस्टी होता था। गाँव का कद्दू तो और ही टेस्टी होता है, बट अब तो लग भी नहीं रही। गाँव में बंदर वगैरह भी बहुत हो गए ना, इसलिए लग नहीं रही अब सब्जियां, वरना इस टाइम तो आई जाती थी सब्जियां गाँव से बहुत। चीकू ये देखो, इसको दिखाते जब से किचन टूटा और ये ना सारे बर्तन निकाल देते हैं। मैं फिलहाल स्टैंड से काम चला रही हूँ और ये ना सारे बर्तन ले जा देता है बाहर सारे। ये देखो चीकू, नो, पूरा स्टैंड खींच देता है गंदा बच्चा। देखो इसको खिलौनों से प्यार नहीं है बिल्कुल भी, हैं? बर्तनों से प्यार है इसको बस। इधर देखो,
चीकू को सुलाते सुलाते मुझे टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं और अब हम लोग भी खाना खाते हैं। दाल हो रही है गरम और मैंने ना भात भी रख दिया थालियों में, तो आज खाऊंगी मैं कद्दू की भुजी, भात और दूध, बस मजा आ जाएगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं हम लोग, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। खाना हो गया हमारा और बर्तन मैं बाद में धोऊंगी, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता बर्तन बाद में धोना, बट अभी चीकू सो रखा है तो मैं सो जाती हूँ सुबह, क्योंकि बहुत जल्दी उठ गया था ये, और मैं भी इसके साथ बर्तनों को फिलहाल सिंक में रख के मैं चलती हूँ सोने थोड़ी देर। और अभी बहुत सारा काम है, कपड़े उपड़े सब फैले हुए हैं इधर, चीकू को दिखाती हूँ। तो ये सो रखा है अभी और हमने पर्दे वगैरह सब लगा रखे, तो अंधेरा हो रखा, तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ दोस्तों आपको। आज सो चीकू बेचारा सोया रहा काफ़ी टाइम तक, 2-3 घंटे, तो उसी बीच मैंने सारे काम कर दिए जितने मेरे काम रह रहे थे, बर्तन वगैरह। दा घूमी जाओगे, घूमी जाओगे, और ये ना उठते ही सीधा पापा को ढूंढता है, पापा को ही ढूंढ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाती हूँ घुमाने। मैं तो कपड़े चेंज नहीं करूँगी, बस इसके मुझे करने पड़ते हैं, एक दिन में कम से कम 3-4 बार कपड़े गंदे करता है ये, तो चलो चिपके का कपड़े चेंज किए जाए, है ना। चीकू को मैंने आज फुल बाजू की शर्ट पहना दी, क्योंकि बाहर मच्छर भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और आजकल तो डेंगू वैसे ही फैला हुआ देहरादून ऋषिकेश में, तो इसीलिए फुल बाजू की टी शर्ट पहन ली, और इससे बिल्कुल वेट नहीं होता, जब इसको तैयार कर देती हूँ मैं ये सोचता है बस कब जाएगी बाहर, तो चलो थोड़ा सा घुमा लेती हूँ इसे। वो आ गए घर घूम फिर के, और ये सर जी टॉफी पे लगे हुए हैं, टॉफी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो आप, और इतना गंदा मुंह बना दिया है बिल्कुल, ये किसने दिया? दादी ने, बगल वाली आंटी ने दिया है इसको टॉफी। तो अब खाना पीना बनाते हैं क्योंकि टाइम हो गया 7:30, तो खाना बनाना भी एक टेंशन ही है। बोलो मम्मा, मम्मा पहले ऐसे बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा मम्मा, ये ना बिल्कुल मम्मा ही नहीं बोलता, इसको सिर्फ पापा से ही प्यार है, और बचपन से ही पापा से प्यार है इसको। चीकू चीकू हैंड वॉश कैसे करते हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं बेटा, हैंड वॉश कैसे करते हैं। और ये चीकू, और ये योगा मास्टर एंजल ये इसी को देखता रहता है, उठपटांग सिखाती रहती है ये उसको, ये देखो ये योगा वाला बच्चा और ये योगा सीखने वाला बच्चा, इन दोनों ने ऐसे ही तमाशे करे रहते हैं यहाँ रात भर। तो दिन भर तो सब कुछ सही था, बट अभी इसके पापा बाहर से आए और कह रहे कि मुझे ना फीवर हो गया है, और सच में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया उन्हें, तो खाना भी नहीं खा रहे, सो गए वो, मैंने भी रोटी बना दी, तो मैं आज चीकू को फिर दो दो रोटी खाते, वैसे जब कोई घर में बीमार होता तो मन भी नहीं करता, आप लोग तो जानते हो ये, हम घर में सिर्फ 2-3 ही लोग हैं, तो एक भी अगर सारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की भी तबीयत ख़राब हो तो मूड ख़राब ही होता है। चलो दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।